सर वो नंबर्स देख के ऑप्टिकली तो सब बढ़िया लग रहा है, एयूएम ग्रो करते हुए नजर आ रहे हैं, इनकम इंचअप होती हुई नजर आई, पर रिसर्च टीम कह रही है कि भाई प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्लैट है जब इनकम इंक्रीज हो रही थी, ऐसा क्यों? सो प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्लैट है क्योंकि हमने 350 नई ब्रांचेस डाली है, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है हमारी काफी बढ़ गई है, और ये जो है द इन्वेस्टमेंट हमने किया है ग्रोथ में, ताकि अगले 2 से 3 साल तक हम देख रहे हैं कि ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी अच्छी है। तो आप देखिए, इस कोविड के माहौल में हमने करीबन 4,000 नए टोटल मैन पावर एडिशन जो है हमारा, जो 20,000 के आसपास होते थे, 24,000 हो गए हैं लोग एम्प्लॉय की जो संख्या है, और इसमें से करीबन 2,700 लोग हमने पिछले क्वार्टर में ऐड किए हैं। सो नई ब्रांचेस ये सारी Q2 में आपने खड़ी कर दी क्या? हमने 230 ब्रांचेस Q2 में नई शुरू की है, और क्योंकि बहुत सारी ब्रांचेस जो हमारी ये कोविड की वजह से थोड़ा डिले हो गया था, पर ये तो और उसके पहले भी जून के महीने में भी काफी ब्रांच हुई थी। आप देखो पिछले तो जैसे अगर हमारी जो मैन पावर है हमने 15% से एक क्वार्टर में बढ़ गई पिछले क्वार्टर में। अच्छा, तो ये इतने दिनों से पॉज मोड पे थे तो एकदम से जब ओपन अप हुआ तो एग्रेशन ने सीले आया। हाँ, अब हम लोग ब्रांचेस और लोग रिक्रूट कर रहे हैं और अपना अब ग्रोथ की तैयारी कर रहे हैं। और ये ग्रोथ की पिक्चर कैसी है, डिसबर्सल्स कैसे हैं प्री कोविड लेवल से अगर बात करें, या प्री कोविड लेवल की जगह अगर हम अभी इस समय का Q2 देख रहे हैं तो पिछले साल के Q2 की जगह 2019 का Q2, उस समय तस्वीर कैसी थी और उससे लेकर अब तक के बीच में सर किस हद तक मोमेंटम लौटा है, किस हद तक बाजार पटरी पर आया है? काफी, मैं समझता हूँ कि आप समझिए 90-95% बाजार पटरी पे आ गया है। हर प्रोडक्ट में ऐसा नहीं कह सकते कि हम लोग पीक पे हैं, पर उस तरफ चल रहे हैं और करीब करीब ऑलमोस्ट नॉर्मल होते जा रही है सिचुएशन, और जो ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है अपने आप वो अब दिखाई देगी। तो मैं समझता हूँ कि अगले, अब लोगों में कॉन्फिडेंस आ रहा है कि कोविड की वेव 3 नहीं आएगी, बिजनेस जो है नॉर्मल होगा, फिर से कैश फ्लो सुधर रहा है, काफी सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जिसमें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। तो मैं समझता हूँ कि सिचुएशन काफी मतलब तेजी से नॉर्मल हो रही है। सर, जैसे कि आपने कहा कि सिचुएशन काफ़ी सामान्य हो रही है, अगर हम आज ही की तारीख में आपसे ये पूछना चाहें कि अगले 6 महीने में, साल भर में आप क्या देखते हैं, मैं बिजनेस लोन्स में, डिसबर्समेंट्स में कितनी ग्रोथ आपको पोटेंशियल नज़र आ रहा है, स्पेशली अगले 6 महीने में, स्पेशली बिजनेस लोन सेगमेंट में? अगले 6 महीने बिजनेस लोन सेगमेंट में बहुत अच्छी ग्रोथ होगी मुझे लगता है, कि क्योंकि बिजनेस लोन जो है वो उसकी ग्रोथ स्लो रही है, और अगले 6 महीने में 15-20% वाई ग्रोथ होनी चाहिए इसमें इंडस्ट्री में। अच्छा, सब ठीक है निर्मल सर, तो ये इस क्वार्टर में ये ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए क्यों इंच अप हो रहे हैं? क्या वो वेव 2 के बाद जो डर था कि कुछ एसेट क्वालिटी में स्ट्रेन देखने को मिलेगा, ये वो रिफ्लेक्शन है क्या? और क्या खासतौर पर एमएफआई कलेक्शंस इंपैक्ट हो रहे हैं क्या? एमएफआई कलेक्शन इंपैक्ट हुए हैं, और ज्यादातर जो जो जीएनपीए में आप अगर देखोगे तो ओवरऑल तो 2.2 से 2.3 हुआ है, पर जो एमएफआई है वो जो 2% था उसकी जगह पे 2.4% हो गया है। और उसका कारण ये है कि जो अप्रैल मई में जब लोगों के बिजनेस और धंधे बिल्कुल ही बंद हो गए थे, कोविड वेव 2 जब बहुत सीवियर थी, तो उसके जो एसेट्स और 90 डेज के बाद में एनपीए बनते हैं, तो उसमें काफी लोग जो इम्पैक्ट हुए ही है और उसका थोड़ा असर हमको दिख रहा है, पर होपफुली अब ये धीरे धीरे कम होते हुए दिखेगा, क्योंकि जो 90 डेज का जो इम्पैक्ट आता है वो हमें पिछले क्वार्टर में दिख गया। जैसे अगर अप्रैल में आपकी दुकान बंद थी, धंधा बिल्कुल ही बंद था, आप अगर तब से पैसा नहीं दे पाओ तो वो एनपीए बनने में 3 महीने लगते हैं आपकी बुक में। अच्छा, रिटेल होम लोन्स इस बार बड़ा गर्म मामला है, बड़ी हॉट सेगमेंट कहा जाता है सर, आपने किस तरह की ग्रोथ वहां पे देखी, किस तरह का आउटलुक नजर आ रहा है, और ये होम लोन क्या का सेगमेंट को अगर आप क्लोजली वॉच आउट कर रहे हो तो ऐसा है क्या एक दशक बाद सब तस्वीर बदल रही है सेक्टर रियल एस्टेट एज अ स्पेस की, कई लोग इस तरह की बात करने लगे हैं? हाँ, बहुत तेजी से बदल रही है, और होम लोन जो है वो अगर हमारी देखो तो पिछले क्वार्टर में 6% की ग्रोथ है, और मैं समझता हूँ कि ये ग्रोथ अब अफोर्डेबल सेगमेंट में तो अब काफी स्ट्रांग रहेगी। और होम लोन ग्रोथ के 2 कारण है, एक तो मेरे 3 कारण है, एक रियल एस्टेट के प्राइसेस कुछ कम हुए क्योंकि जो बिल्डर जो प्रेशर में थे उन्होंने भाव थोड़े घटाए हैं, दूसरा ये है कि इंटरेस्ट रेट भी कम है इस समय क्योंकि सरकार की जो पॉलिसीज है, आरबीआई की पॉलिसीज है, उससे आप देख रहे हो कि इंटरेस्ट रेट इस समय थोड़े कम है, क्योंकि आज से
जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा होते तो होम लोन की डिमांड कम हो जाती है, और तीसरा कुछ पेंट अप डिमांड भी है क्योंकि कोविड के टाइम पर बहुत सारे लोगों ने अपने घर खरीदने के डिसीजन थे वो पोस्टपोन कर दिए क्योंकि उस समय थोड़ी एक अनिश्चितता थी तो लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो अब मैं समझता हूँ कि वो भी अब डिमांड आ रही है। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो रियल एस्टेट सेक्टर में काफी अच्छी चहल पहल है। निर्मल सर, अब आप आए हो, कंपनी के बारे में डिटेल में चर्चा हो गई, एक बाजार पे सवाल, सब बोलेंगे नहीं तो निर्मल सर आए थे पूछा भी नहीं, ये 18,000 के ऊपर बाजार आपको कैसा लग रहा है सर? क्योंकि आप उस जंक्चर पर आगे खड़े हुए हैं जहां पे कुछ चैलेंजेस सामने आने वाले हैं, कोई पैसा लिक्विडिटी सकआउट करने के मूड में, कोई दरें बढ़ाने के मूड में, किस आप कैसे देख रहे हो 18,000 के बियॉन्ड मार्केट्स को, और हम लोग रिटेल निवेशक कैसे अप्रोच करें इस बाजार को अब? तो देखिए तीन चीजें, इस समय फंडामेंटल स्ट्रांग है क्योंकि इकोनॉमी रिकवर हो रही है और जो इकोनॉमी ग्रोथ है हम इस साल या अगले साल 2-3 सालों तक हो सकता है डबल डिजिट ग्रोथ देखें, सब काफी माहौल सुधर गया है और उसका जो कोविड की पेंट अप डिमांड, जो गवर्नमेंट ने पैसा डाला इकोनॉमी में, उसके अलावा जो चाइना से जो लोग नाराज हैं विदेशी इन्वेस्टर्स एज वेल एज विदेशी कंपनी है तो वो इंडिया से ज्यादा सोर्सिंग करेगी जहां मैन्युफैक्चरिंग का सवाल है, और जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया में ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट की तरफ इन्वेस्टर्स का भी आएगा, यहाँ पे मैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ। दूसरा ये कि लिक्विडिटी भी अच्छी है इस समय क्योंकि ग्लोबली भी बहुत पैसा सब सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट ने प्रिंट किया छापा है और हमारी सरकार ने भी काफी ईजिंग किया है, तो पैसा जो है घूम फिर के थोड़ा पैसा उसमें से बाजार की तरफ आई जाता है। पर तीसरी बात जो है वो है कि वैल्यूएशन बहुत हाई है जो कि हिस्टोरिक हाई पर है, तो लोगों में एक डर भी है कि इतने ऊंचे भाव पर या इतने ऊंचे पी और मल्टीपल हम ले कि नहीं ले। अब इसमें क्या होगा कि बहुत सारी कंपनियों में अब आप देखो कि उनके अर्निंग्स अपग्रेड होते हैं और जो अर्निंग्स है वो पॉजिटिवली आपको सरप्राइज करते हैं, तो वो स्टॉक्स चलेंगे। पर कुल मिला के ऐसे माहौल में क्या होगा कि अगर छोटा सा भी कोई इवेंट आए तो जब मार्केट हाई ऑल्टीट्यूड पे होता है तो करेक्शन बहुत स्पीड से होता है। थोड़ी देर पहले भी आपने देखा होगा कि मिड कैप स्मॉल कैप में पर्टिकुलरली बहुत सारे स्टॉक्स में 10-20% 30% करेक्शन कभी भी आ सकता है, और ये हो गया शॉर्ट टर्म करेक्शन की बात। पर अगर आप मीडियम से लॉन्ग टर्म देखो तो इकोनॉमी अगर अच्छी है तो स्ट्रक्चरली हम लोग बुल मार्केट में है, तो जो निवेशक है उसमें दो चीज कर सकते हैं, या तो आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करो म्यूचुअल फंड या स्टॉक में, और आप लिवरेज मत करो, फ्यूचर्स ऑप्शन पे ज्यादा ट्रेडिंग मत करो क्योंकि वहां पे अगर कभी वॉलेटाइल मूवमेंट आए तो आपका पूरा पैसा लग जाता है, और जो आप इन्वेस्ट करो लंबे टाइम के लिए, अगर भाव में कभी करेक्शन आए तो आप डरो मत क्योंकि आपका जो पैसा है जो आपने एलोकेट किया है स्टॉक मार्केट में वो लंबे अरसे के लिए, और तो अगर आप 3-5 साल के लिए इन्वेस्ट करोगे तो पैसा बनेगा, पर उसमें जो बीच में शार्प करेक्शन आएंगे उस समय आप अगर लिवरेज है या डेरिवेटिव में है तो पोजिशन कट जाती है और नुकसान हो जाता है।